सभी का यस मैथमेटिक्स पाठशाला में स्वागत करता हूँ। इससे पहले मैं 2019 का सी टेट का पेपर सॉल्व करके डाल चुका हूँ, जिसपे लिखा था डे फर्स्ट, जिसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे, और जिसपे लिखा था डे सेकेंड, उसमें सारे मैथ के पैडागोगिकल क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए सी टेट 2018 जो 9 दिसंबर को हुआ था उसका सोल्यूशन पेपर प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, जिसमें आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कराऊंगा, और जो इसका सेकेंड पार्ट आएगा उसमें आपके लिए पैडागोगिकल क्वेश्चंस होंगे। ठीक है गाइस, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 2/3 + 4/5, इसको आपको सॉल्व करके बताना क्या आएगा। ठीक है, तो इतने आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, तो आपको करना है क्या है, 2/3 + 4/5 इनका एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 15, 5 ये कितना लिखा 3, 3 से 15 को भाग करो कितना जाएगा 5, और 5 से 10 की गुणा करेंगे, 2 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, 5 से 15 को भाग करेंगे 3, और 3 का 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, तो कितना आ गया 22/15। और आंसर तो इस तरह मैच नहीं कर रहा है, तो क्या करना, जब भी डिनोमिनेटर कम हो तो इसको डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करोगे 15 से 22 को, तो 15 × 15 कितना बचा 7। अब जो भागफल होता है उसको सही में लिखते हैं, जो रिमाइंडर होता है उसको ऊपर लिखते हैं, जिससे भाग करेंगे उसको नीचे लिखेंगे, तो कितना आंसर आ जाएगा 1/7/15, तो 1/7/15 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन देखिए, नए क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा 11,111, ठीक है, 11,111 संख्या को प्रतिनिधित्व करता है। आपके पास ये विकल्प है, इसमें 6 बार एक एक लिखा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख में पहुंच गया। ठीक है, तो बट ये 11,000 नहीं होगा। अब ये देखो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ में पहुंच चुका है, और यहाँ पे ये रोमन में लिखा हुआ, तो ये तो कोई कर नहीं रहा है, ये करेगा। ठीक है, क्या लिखा, 12,111, बट करेगा कैसे, आप उसको देख लीजिए, 11,000 फिर 1100 बोला था, फिर 11 बोला था, इन सभी को ऐड कर दो, 1, 1, 1, 2 और 1, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12,111। 11,111 का 11,111 को प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, 12,111। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड थर्ड क्वेश्चन में लिखा है बिंदु ए और बी, ठीक है, नीचे दिखाए गए नंबर लाइन पे, ये नंबर लाइन दिखाई गई है, इस नंबर लाइन पे एक ए दिख रहा है और ये बी दिख रहा है, ठीक है, संख्या रेखा का प्रतिनिधित्व करते हैं, बिंदु ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करिए। अब यहां से देखिए गाइस, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, तो यहीं तक देख लेता हूँ, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मतलब 2500 से जहाँ लिखा है वहां 3900 से पहुंचने पर कितने डॉट्स आ गए, जहां से चल रहा है वो थोड़ी नगर होगी, जस्ट आगे से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सात डॉट हो गए, ठीक है, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना गाइस, 3900 से 2500 माइनस कर लो तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 1400 है, ठीक है, और 7 डॉट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 1400, तो 7 से भाग कर लो, 7 × 2 = 14, तो 1 डॉट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी गाइस, 2000। अब देख लो ए और बी के बीच कितने डॉट्स हैं, जहां से चल रहे वहां से नहीं, आगे से काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो ए और बी के बीच मतलब जो बिंदु है वो कितने हैं, 11, और एक बिंदु के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये आ गई आपकी एक बिंदु के बीच की दूरी, ठीक है गाइस, 2000। अब 11 की कितनी होगी, 11 × 2000 तो कितना हो जाएगा, 11 × 2 = 22, कितना हो जाएगा गाइस, 22000, तो 22000 दूरी हो जाएगी, अर्थात 22000 यूनिट्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो गाइस बने रहिए मेरे साथ एंड तक, अभी क्या है जो क्वेश्चंस में करा रहा हूँ इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल बेस्ड कराऊंगा, और जो इसका सेकंड पार्ट आएगा जो सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन उस सेकंड वीडियो लेक्चर में मिलेंगे आपके लिए, ठीक है गाइस। और इसी तरह से अगर आपको प्रॉपरली मैथ पढ़ना है तो मेरे यस मैथमेटिक पाठशाला की प्लेलिस्ट में जाएंगे, ठीक है, वहां पे आपको कॉम्पिटिटिव मैथ मिलेगा। कॉम्पिटिटिव मैथ में अभी मैंने शुरुआत ही किया है पढ़ाना नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम की 5 वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप उनको प्रॉपरली देख सकते हो। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ जो आए हुए क्वेश्चंस हैं अभी तक पूछे गए किस टाइप से पूछे जाएंगे वो सारे कराऊंगा, उनसे रिलेटेड कराऊंगा, बट आपको प्रॉपर मैथ मेरे इस चैनल पे चल रहा है, आप वहां से इसको कंटिन्यू कर सकते हो गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए गाइस पहला क्वेश्चन लिखा है 1/16 kg चीनी से, ठीक है, 3 से 1/4 किलो चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं,
तो आपको पास जो चीनी दे रखी है वो ज्यादा वाली कौन सी है? 3 सही 1/4 kg। इसको सही से लिखेंगे तो 4 × 1 = 12 = 13/4। तो 13/4 किलो चीनी है, इसका मतलब 3 और ये 1/4, मतलब 3.25 किलो चीनी है, ठीक है। और इससे 1/16 kg चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं वो आपको बताना है। तो 1/16 kg के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं, तो हम क्या कर लेंगे, इसको 1/16 से भाग कर लेंगे। ये मेन लाइन है आपकी, ठीक है गाइस। अब 1/16 ऊपर वाला तो मैंने बताया था ऐसे ही रहता है, नीचे वाला उल्टा हो जाता है। तो 4 × 16 = 13 × 52, तो कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं? जैसे आपके पास 10 रुपए है सपोज करो, तो इसमें 2 रुपए के कितने सिक्के बन सकते हैं? तो 2 से ही तो भाग करोगे तभी तो पता चलेगा, 2 रुपए के 5 सिक्के बन सकते हैं। तो वही काम यहाँ पे करना है, यहाँ आपके पास ज्यादा अमाउंट में चीनी है और इस अमाउंट के छोटे छोटे मतलब पैकेट बनाने हैं, तो कितने बनेंगे? तो टोटल चीनी को एक पैकेट की क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया तो कितने बन गए? 52। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 52 होगा तो इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे सिर्फ ये बोला गया है, हरीश ने 1840, ठीक है गाइस, हरीश ने 1840 बजे अपनी यात्रा क्या की थी, शुरू की थी और 22, ठीक है, 20 पर क्या कर दी, समाप्त कर दी। तो यात्रा में कितने घंटे का समय लिया गया ये आपसे पूछा गया है, ठीक है गाइस। तो यात्रा में पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, शुरू कहाँ पे किया था, शुरू की थी 1840 पे, ठीक है गाइस, और समाप्त कहां पे की थी, समाप्त की थी 22 20 पे। तो टाइम निकालेंगे बीच का, तो टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं, 22 20 बाद वाले समय से पहले वाले समय क्या करते हैं, माइनस कर देंगे गाइस। अब क्या करते हैं, जब भी हम इधर कम है तो इधर से एक कॉमन करेंगे, एक कॉमन करने के वाला एक घंटा कॉमन करेंगे। अब एक घंटा कॉमन करोगे तो एक घंटा में कितने मिनट होते हैं, आपको पता है 60 मिनट होते हैं, मतलब 1 घंटा = 60 मिनट। तो जो इधर कॉमन जाएगा वो 60 जाएगा, तो 60 और 20 पहले से है तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब ये 20 को बदल के यहाँ कितना हो जाएगा, 80 80 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा, 40, ठीक है। अब यहाँ पहले 22 था, अब 1 घंटा चला गया तो यहाँ बचा हुआ 21 21 में से 18 जाएगा तो 3, तो ऑप्शन आ जाएगा 3 घंटा 40 मिनट। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका भी क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे सिर्फ ये पूछा गया है कि आपके पास क्या है, एक 2000 लीटर आयतन का कोई बर्तन है और आपके पास जो नापने वाले छोटे छोटे बर्तन है वो एक 200 ml का है और एक 300 ml का है, ठीक है गाइस। तो आपको ये बताना है, और वो है 2000 ml का। तो ये एक माप वाले बर्तनों का उपयोग कर 2000 ml का एक आयतन वाला बर्तन की बाल्टी भरनी है, मतलब बाल्टी का जो आयतन है वो 2000 ml है, एक बाल्टी में इतना आ सकता है। और आपके पास जो नापने वाले हैं वो 200 ml का है, 300 ml के दो बर्तन है, ठीक है, दो बर्तन है क्रमशः। उसके बाद बोला गया बाल्टी भरने के लिए जो बर्तनों के निम्नलिखित समायोजन दिए गए हैं। अब देखो अगर पहले की बात करते हैं तो पहला कितना भाई, एक की बात करें, ऑप्शन आप चेक करना, देखो फर्स्ट और सिक्स, मतलब पहले में एक और छह, तो पहले वाला 200 का है और सेकंड वाला कितने का है, 300 का है। 300 के कितने हो गए, 6, भाई एक था तो डाइट दो लिख दिया तो 6 300। अब इसको 18 हो जाएगा, 18 200 कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, तो ये भी ठीक हो गया। सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं, 4 कॉमा 4, ठीक है, पहला 4 200 का है तो ये कितना हो गया गाइस, 800। सेकंड 4 किसका है, 300 वाले का होगा, तो ये हो गया 1200, इसका भी आपको पता है 2000 हो गया, ठीक है। अब तीसरा देख लीजिए, पहले का 7 7 को 2 से गुणा करोगे तो इसका कितना हो गया, 1400। सेकंड वाला कितना, 2, ये कितना था, 300 का था, ये 300 का था, तो ये कितना हो गया, 600। 1400 600 आपको पता कितना हो जाएगा, 2000। तीनों तो सही निकल गए, तो ये चौथा ही वाला गलत होगा जो इसका समायोजन नहीं कर रहा होगा। देख लो आप करके भी दिखा दे, 6 पहला 6 का है, 2 से कर लोगे तो 1200 हो गया गाइस, ठीक है। सेकेंड वाला 3 का है तो 3 को 300 से कर लेंगे क्योंकि सेकेंड वाला 300 का था, तो ये कितना हो गया, 900, ठीक है। 900 1200 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 2100 ml हो गया, जबकि आपको कितना चाहिए था, 2000 ml चाहिए था। तो ये जो थर्ड ऑप्शन होगा वो इसका समायोजन नहीं कर रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, आपसे पूछा निम्नलिखित में से 7.1 × 3.85 और ये कितना लिखा अपॉन में 9.09 का सबसे अच्छा अनुमान कौन सा है, ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। आपको पता है
जैसे मैंने यहाँ पे 3.3 लिख दिया तो ये किसके नजदीक है, 3 के, और 3.5 लिख दिया तो ये किसके नजदीक है, 4 के। अब हमेशा ध्यान रखना जब भी नंबर 5 से छोटा है तो पीछे वाले के साथ जाइए, 5 या 5 से बड़ा है तो आगे वाले के साथ जाइए, ठीक है। बस इतना सा ध्यान रखना है और बाकी आप सारे इससे कर सकते हो। पहला क्वेश्चन लिखिए, यहाँ पे कितना लिखा 7.1, तो 7.1 किसके समथिंग होगा, 7 के, मतलब पास में होगा। 8.35, मतलब 3.3 के बाद में कितना लग गया, 8 लग गया, मैंने बोला 5 होगा तो अगले यहाँ तो और ज्यादा हो गया, तो यहाँ कितने के साथ जाओगे, 4 के साथ जाओगे। नीचे कितना लिखा है 9, यहाँ 9 के बाद देखो डायरेक्ट नंबर क्या है, 0 है तो पीछे ही आओगे, तो ये आ जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन 7 × 4/9, तो बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखो सीटेट में क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं आते, बस थोड़े घूमे हुए होते हैं, आप अगर उनको अच्छे से समझ गए तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स, मतलब वो फुल ओवर फुल ला सकते हो। बट आप सोचो क्वेश्चन बहुत ज्यादा टिपिकल आता है, क्वेश्चन बिल्कुल टिपिकल नहीं आता। क्वेश्चन में आपको जितने भी आज तक सेट हुए वो सारे के सारे कराऊंगा, बस आप वन बाई वन देखते रहिए, जब तक पेपर होगा तब तक मैं सारे के सेट्स करा दूंगा, ठीक है। तो बस आप क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, देखो इसको, अगले क्वेश्चन में ये बोला गया कि एक जो वर्ग है छोटा सा, ये इसको पहले देखिए, इसका जो वर्ग है, इसका जो एरिया है, क्या है, एरिया है, वो कितना है, 4 वर्ग इकाई है, 4 वर्ग इकाई। आपको पता है स्क्वायर का जो एरिया होता है वो क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है, मतलब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, फिर से लिख देता हूँ, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, ठीक है गाइस। अब आपको यहाँ पे दे क्या रखा है, वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है और भुजा निकालनी है, तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया, 4, और 4 ये स्क्वायर इधर है, ये स्क्वायर इधर से हटाओगे तो इस पे क्या जाएगा, रूट आ जाएगा, और ये 4 किसका वर्गमूल होता है, 2 का, तो भुजा कितनी आ गई गाइस, 2 आ गई। तो आपकी ये साइड भी 2 होगी, ये साइड भी 2 होगी, और ये साइड भी 2 होगी। बट क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है, अरे तो बोला यदि ग्रिड में से एक छोटा सा वर्ग, जो छोटा वर्ग ये है वो कितने इकाई का है, 4 वर्ग इकाई का है वो, तो ग्रिड पर बनाया गया जो आयत बनाया गया जिसको मैंने क्रॉस लाइन से शो किया गया, उसका क्या निकालना, परिमाप निकालना है। मैंने आपको कल भी बताया था कि परिमाप का जो मतलब होता है गाइज, परिमाप का मतलब होता है सभी साइडों का योग, मतलब जितनी भी भुजाएं हैं उन सबका क्या कर ले, हम योग कर ले, तो वो क्या हो जाएगा, उसका परिमाप हो जाएगा। देखो मैं यहाँ पे कोई भी नाम रख लेता हूँ, ए बी सी और डी। अब आपको पता है हर साइड इधर कितनी है, 2 है, तो यहाँ देखो 2, 2, 2, 2 कितना हो गया, ये वाली ए बी, पहले हम लिखेंगे क्या, इसका जो परिमाप होगा ए बी प्लस बी सी प्लस कितना हो जाएगा सी डी और प्लस का डी ए, इन सभी का तो सम करना है, तो ए बी कितनी होगी देखो गाइज, और ये भी 2, ये भी 2, ये सब क्या है, 2 2 है, अब 2 2 4 2 6 2 8, 8 हो गया ये, बी सी 2 2 कितना होगा, 4, सी डी भी कितना हो जाएगा, कितना ऊपर 8, और ये कितना हो जाएगा, 2 2 4, तो 8 4 12, और ये भी 12 12 कितना हो जाएगा, 24 यूनिट आपका जो इसका परिमाप हो जाएगा गाइस। समझ में आया होगा, आसान सा क्वेश्चन, बट इन्होंने क्या किया था, क्वेश्चन में घुमा दिया था, क्वेश्चन की साइड ना देके उसका एरिया दिया था, साइड आपको निकालनी थी, अगर आप 4 से निकाल देते तो ये ऑप्शन गलत हो जाता, साइड उससे कुछ ज्यादा आ जाता और ऑप्शन आपका मैच कर जाता, तो इसलिए आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड जरूर करना कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन को देखिए आप, इस क्वेश्चन में आपका आंसर कितना आया था, अभी जो आया था 24 आया था, आपका ऑप्शन करेक्ट करेंगे। इस क्वेश्चन को देखिए, एक बच्चे ने 5 विषयों में से प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किए, बच्चे द्वारा प्राप्त अंकों की माध्यिका क्या होगी। अब आप ही है, आप अगर कोई भी एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, और 5 सब्जेक्ट है उसमें, 5 सब्जेक्ट है और प्रत्येक सब्जेक्ट में आपने 75 नंबर प्राप्त किए, तो आपकी परसेंटेज क्या हो जाएगी, 75% हो जाएगी। अर्थात अगर आप सभी सब्जेक्टों में कोई चीज बराबर कर रहे हो तो एवरेज भी क्या होगा, बराबर ही होगा। एवरेज और माध्यिका उस केस में क्या होती है, बराबर होती है, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। एक ही तो बोला है 5 विषय है, 5ों में 75 लेके आया, तो उसका औसत क्या हो जाएगा, 75। और ऐसे केस में जहां हर चीज समान होती है वहां माध्यिका भी क्या होती है, समान होती है, तो ऑप्शन करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप आंसर क्या लगाएंगे, 75। नहीं तो क्या करेंगे, इनका 75 5ों का जोड़ेंगे 75 75, फिर 5 से भाग करेंगे तो फिर आएगा तो 75 ही, ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, देखिए गाइज ये क्वेश्चन देखिए, यदि निम्नांकित पाई चार्ट में लाल भाग जो है वो कितना है, 40 है आपका, ठीक है, तो सफेद भाग क्या होगा। आप देख रहे हो ये जो लाइन जा रही है वो इसके डायमीटर व्यास से जा रही है, और आपको पता है व्यास जो होता है वो किसी भी सर्किल को क्या कर देता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो आप रेड भाग देख रहे हो पूरे का कितना है, आधा है,
ठीक है, तो आधे भाग की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, आधा भाग किसके बराबर है गाइस, 40 के बराबर है। तो पूरा भाग किसके बराबर हो जाएगा, बस इतना समझ लीजिए, 80 के बराबर हो जाएगा। पूरा भाग किसके बराबर हो जाएगा, 80 के बराबर हो जाएगा। अब 80 का इनने पूछा सफेद भाग कितना होगा, तो सफेद कितना है 80 का, 1/8 है। तो सफेद भाग की वैल्यू निकाल लेंगे, सफेद भाग जो टोटल भाग है उसका कितना है, 1/8 है, काट दिया कितना गया 10, तो सफेद भाग कितना हो गया गाइस, 10 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ, ऐसी लगातार लिखा हुआ है, 1 -1 +1 -1 +1 -1, कहां तक लिखना है आपको, इवन नंबर्स तक लिखना है। ठीक है, तो उसका इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, एक छोटा सा आप एग्जाम्पल ले लिया, हम चार बार ही लिख लेते हैं, इवन हो जाएगा, +1 -1 +1 -1, कितनी बार लिया, चार बार, ये कट गया प्लस माइनस कट के कितना गया, जीरो। अब छह बार लोगे तो एक प्लस वन आएगा, फिर माइनस वन आएगा, कट जाएगा, फिर अगर आठ बार लेते हैं फिर 1 +1 1 -1, तो हम देख रहे हैं अगर हम इवन टाइम से लेते हैं तो क्या कट रहा है, सारे के सारे कट जाएंगे और उस केस में आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। तो भाई जब भी मैंने इसके कितने क्वेश्चंस कराए हैं आपको, 11 क्वेश्चंस कराए हैं, जो 4 क्वेश्चंस और हैं वो थ्योरेटिकल हैं, बोर्ड पे लिखूंगा तो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन पूरा बोर्ड पे आ रहा है, तो वो मैं आपके लिए क्या करूंगा, PDF के माध्यम से समझा दूंगा सारे क्वेश्चन, ठीक है, उसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं है, बस फिगर्स, फिगर वाले जो क्वेश्चन हैं वो मैं उन्हीं के साथ समझा दूंगा, जो आपको पैडागोगी के सेकंड पार्ट में इसके कराऊंगा। ठीक है गाइज, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो, ठीक है, पढ़ाया वो समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ लाइक जरूर किया करो पढ़ते समय, ठीक है, क्वेश्चंस के आंसर की कमेंट किया करो मुझसे पहले, ठीक है, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ठीक है, ओके, थैंक यू गाइज।